और चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा 50 में बीजेपी की ओर से पहले दो दावेदार थे, अब खुद जिला अध्यक्ष मैदान में उतर चुके हैं। राजनगर विधानसभा से जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया को 2018 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और वो मात्र 732 वोटों से चुनाव हारे थे। दूसरे दावेदार पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल हैं, जिनके साथ पटेल समुदाय का भारी वोट बैंक भी है। वहीं तीसरे दावेदार के रूप में वर्तमान जिला अध्यक्ष मलखान सिंह चौहान भी अब मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने मैदानी ताल ठोंक दी है। तो वहीं मलखान सिंह चौहान ने एमके न्यूज से खास बात करते हुए क्या बोला है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजनगर विधानसभा विगत 4-5 वर्षों से अपोजिट खेमे में जा रही है, कांग्रेस के वहाँ विधायक हैं, तो हमारी मंशा है कि पार्टी का कहीं ना कहीं हित हो, पार्टी का विधायक वहाँ से बन के जाए, इस मंशा से मैंने राजनगर में अपनी दावेदारी की। हाँ, दोनों आ जाएंगे, पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो हमारे साथ आ जाएंगे, हम उनके साथ चले जाएंगे, कहीं किसी प्रकार की उसमें तो कोई संशय की बात है ही नहीं, सभी लोग काम करें। मैंने जहाँ तक आपको बताया है कि वहाँ कोर्ट में सम्मानित उस्मानिया ने चुनाव लड़ा था, तो वहाँ एक एंटी कन्वेंसी चलती है, उस एंटी कन्वेंसी के रहते जो अपन बार बार अपन हार का मुंह देखते हैं, उसका यही कारण है। वहाँ तो एक ऐसा स्तंभ चाहिए, ऐसा बीच का एक विकल्प चाहिए जहाँ दोनों लोग उसके साथ हो।